आलू की रेसिपी तो आपने बहुत बनाई होगी, पर कभी आपने जीरा टमाटर आलू की रेसिपी बनाई है इस तरीके से? सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चंचल और मेरे चैनल सी आर के रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही यमी इंस्टेंट जीरा टमाटर आलू की रेसिपी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसे बनाऊँगी। सो देख लेते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। सो आलू मैंने इसके लिए 5 से 6 लिए हैं, उन्हें मैंने कट करके रख लिया है इस तरीके से धोकर। और अब मैंने टमाटर लिए हैं 2, इनको भी मैंने कट करके रख लिया है, थोड़े बड़े बड़े साइज़ में कट किया है। सो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने फ्राई पैन ले लिया है और ऑयल डाल देती हूँ मैं इसमें फ्राई करने के लिए। अब थोड़ा गर्म हो जाएगा फिर मैं इसमें जो मैंने चॉप करके पोटैटो रखे हैं वो मैं इसमें डाल दूंगी और इसमें फ्राई कर लूंगी। सो इस तरीके से हमें इसको फ्राई करना है। पहले फ्राई करने से बहुत जल्दी बन जाएगा और फ्राई करने से इस रेसिपी में टेस्ट भी आता है बहुत टेस्टी सा। सो इस तरीके से आप इसे फ्राई कर लें 2 से 3 मिनट के लिए। सो देखिए कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है और अब मैंने निकाल लेती हूँ। सो इस तरीके से आप फ्राई कर लें, बहुत जल्दी बन जाती है रेसिपी। जब छोटी मोटी भूख लगे तब आप इसको बना सकते हैं। सो चलिए अब हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सो रेसिपी के लिए मैंने फ्राई पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, 1 पिंच हींग ऐड की है और जीरा मैंने इसमें 1/2 टेबलस्पून लिया है। थोड़ा सा भून लेंगे इसे। सो इस तरीके से भून लें और अब मैंने चॉप टमाटो भी इसमें ऐड कर दिया है, थोड़ा सा इसको भी हम भून लेंगे। सो देखिए इस तरीके से जब आप टमाटो कट करते हैं तो कलर भी बहुत बढ़िया आता है रेसिपी का और खाने में भी बहुत बढ़िया लगते हैं ये। सो इस तरीके से देखिए अच्छे तरीके से आप भून लें इसे। और अब मैं मसाले ऐड करूँगी, हल्दी पाउडर 1/2 टेबलस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1/2 टेबलस्पून और लाल वाली मिर्ची जो होती है तीखी वाली वो भी 1/2 टेबलस्पून और नमक मैं इसमें 1/2 टेबलस्पून यूज़ करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्ची इसमें डाल सकते हैं। सो इस तरीके से आप मसाले को पका लें, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाला और टमाटर अच्छे तरीके से गल जाए। जब ये अच्छे तरीके से गल जाएगा फिर हम इसमें फ्राइड जो पोटैटो है वो ऐड करेंगे। अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी 3/4 टेबलस्पून। इस तरीके से ये घर का बनाया हुआ गरम मसाला था सो मैंने बहुत कम यूज़ किया है और अब मैं इसमें फ्राइड पोटैटो ऐड कर दूँगी और अच्छे से एक मिक्स कर दूँगी। सो इस तरीके से आप मिक्स कर लें और अब मैं इसमें काली मिर्ची का पाउडर 1/4 डालूँगी। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा, बहुत ही अच्छे लगते हैं इससे ये। और आमचूर का पाउडर भी मैं इसमें 1/2 टेबलस्पून डालूंगी। अगर आमचूर का पाउडर नहीं है तो आप इसमें जलजीरे का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर दें और अब इसको लो फ्लेम पे हमें 2 से 3 मिनट के लिए ही पकाना है। रेसिपी हमारी बहुत जल्दी रेडी हो जाएगी, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसे बनाया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनने में। सो देखिए कलर कितना बढ़िया आया है इसका और अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिला लूँगी और आलू हमारे गल चुके हैं, रेसिपी भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको 10 मिनट का रेस्ट दूँगी। वाओ देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है, बहुत ही बढ़िया बनी है, बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है और बहुत ही यमी बनी है। सो इसका फ्लेवर भी बहुत सिंपल सा मैंने ऐड किया है, आप इसमें शेज़वान का फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं, उससे इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया हो जाता है। सो मेरी आज की रेसिपी रेडी है, आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और बहुत सिंपल तरीके से रेसिपी को मैंने बनाया है। फिर भी अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, बहुत ही बढ़िया बनती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। सो इसमें आप अगर आप चाहें तो और मसाले भी ऐड कर सकते हैं। सो ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अपना ध्यान रखिए।